मैं मैथ्स की प्रिपरेशन की बात करता हूं तो मैथ्स के अंदर मैं ओवरऑल देखता हूं कि स्टूडेंट्स जनरली थ्री कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। वन, जिनका मैथ्स बहुत ब्रिलियंट होता है, हु आर एक्सपेक्टिंग 100, 99, 95 समथिंग लाइक दैट। वन जो 80s के अराउंड एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो सर बस किसी तरीके से 50, 60, 70 हो जाए। अभी भी मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छी कर लेते हैं स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट जो अपने आप को मैथ्स में वीक समझते हैं और जो सोच रहे हैं कि हम मैथ्स में अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर आज से आप अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग कर लेते हैं तो भी आप मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए? देखिए, अगर आप मैथ्स का सिलेबस को पूरा देखते हैं तो बेसिकली आपके पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत सिंपल है, वो बहुत सिंपल है, स्कोरिंग है, और बड़ी कम मेहनत करके हम वो 60% नंबर दिलवा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है मैथ्स के अंदर कि हम नेगेटिविटी अपनी चारों तरफ इतनी अराउंड कर लेते हैं कुछ चैप्टर्स को देखते हुए, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, AOD, कि जो मैथ्स की पॉजिटिव चीजें वो दिखनी बंद हो जाती है। लेट अस टेक एग्जांपल, आपके पास चैप्टर है मैट्रिक्स, आपके पास चैप्टर है डिटर्मिनेंट, ठीक है, आपके पास चैप्टर है LPP, आपके पास चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इनवर्स ट्रिगोन, फिर इसके बाद आपके पास आता है रिलेशन फंक्शन, ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो सबसे सिंपल चैप्टर्स में आता है डिफरेंशिएशन। AOD समझ में आए ना आए, बट उसके चक्कर में डिफरेंशिएशन समझ में आ जाता है। AOD समझ में आए ना, डिफरेंशिएशन जरूर समझ में आ जाता है। अब होता क्या है, आप अपना सारा का सारा फोकस ना इन चैप्टर्स पे से एकदम हटा देते हैं और अपना सारा फोकस डाल देते हैं इनके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद वेक्टर एंड 3D। अब होता क्या है, ये टोटल 13 चैप्टर्स, इन 13 चैप्टर्स में आप क्या करते हो, इन 6 चैप्टर्स को लेके इतने परेशान, इतने हैरान होते हो कि आपको इन 6 चैप्टर्स की वजह से पूरा का पूरा मैथ्स सत्यानाश दिखना शुरू हो जाता है, डिफिकल्ट दिखना शुरू हो जाता है। एंड यहीं से वो नेगेटिविटी, यहीं से वो फियर आपके अंदर आना शुरू होता है जिसको आपको क्रैक करना है। और वंस आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली, यू विल स्टार्ट लविंग द मैथ्स। कैसे आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है? सबसे पहले वो बच्चे ध्यान से सुनना इस चीज को जो सोचते हैं कि यार हम मैथ्स में अभी तक पास नहीं हो रहे हैं, हमारे 50 नंबर नहीं आए, और हम कैसे 80s और 90s में जा सकते हैं। आपको इग्नोर ऑल दीज चैप्टर्स, आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करना है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, LPP, प्रायोरिटी, इनवर्स ट्रिगोन, रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशिएशन। और कैसे करना है, सबसे पहले स्टार्ट डूइंग द एग्जांपल्स। अब जब आप एग्जांपल्स करते हैं ना तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। एग्जांपल करते हुए क्या होता है, आपके मन में लालच आता है, नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप उसे फटाफट टिपने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं करना। व्हेन यू आर डूइंग द एग्जांपल्स ना, आपने एग्जांपल उठाया, आप उसे सॉल्व करो, नहीं होता है वहीं रुक जाओ, और जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं जिनसे आप क्लासेस ले रहे हैं उनसे पूछो कि सर ये क्वेश्चन मेरा यहां रुक गया, क्यों रुक गया। आप क्या करते हो वहां पर एकदम एक बार उधर नजर घुमा लेते हो नीचे, ओ अच्छा हाँ ऐसे ओके ठीक है कर दिया, वही दिक्कत है, वो नहीं करना, रोक दो वहीं पर। 20 एग्जांपल है, 19 नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं, एक हुआ ना वो ज्यादा अच्छा है, 19 के 19। कौन सा ऐसा टीचर है यार जो आपको नहीं बताएगा, बताएंगे। प्रॉब्लम क्या, आप अपने डाउट्स ही नहीं निकालते, आपके कभी डाउट्स ही नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि आप सेल्फ सेटिस्फाइड बहुत जल्दी हो जाते हो, नहीं होना। When you are doing the examples, आप उसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जहां तक सॉल्व हुआ वहीं पे छोड़ दीजिए, पूरा हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ मुझे सॉल्यूशन नहीं देखना एग्जांपल्स से। और सेकंड चीज, जब आप एग्जांपल्स करते हो ना किसी भी चैप्टर के, कम क्वेश्चंस में पूरा मेजॉरिटी चैप्टर आप रिवाइज कर लेते हो। इसके बाद जब आपने एग्जांपल स्ट्रांग कर लिया, अच्छा जब एग्जांपल्स की बात करूं तो इंक्लूडिंग मिसलिनियस, यानी कि मिसलिनियस के एग्जांपल गोली मारे, फिर आपको करनी है मिसलिनियस एक्सरसाइज। एक पहले आपने सारे एग्जांपल्स किए और फिर चैप्टर की मिसलिनियस, आपका चैप्टर हो गया तैयार, आपको एक्सरसाइज पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने एक्सरसाइज पहले कर रखी है, जनरली आप एक्सरसाइजेस पहले करके रखते हो, जैसे मैट्रिक्स का एग्जांपल है, चैप्टर थर्ड है, 3.1, 3.2, 3.3 जनरली क्वेश्चंस आपने किए होते हैं। बट सपोज ऐसा कोई बच्चा है जिसने कभी आज तक एक्सरसाइज टच भी नहीं करी, अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करेगा, वो जाए फैकल्टी के पास, सर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क कर दीजिए, मैं एक बार उन्हें गो थ्रू कर लूं, तो वो क्वेश्चन आप एक बार अपने हाथ से कर लीजिए। तो
सबसे पहले इन 7 चैप्टर्स को लेके आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन हैंड, एंड उसके बाद उसके जितने मिसलिनियस के एग्जांपल्स हैं और मिसलिनियस एक्सरसाइज. वंस आपने इन 7 चैप्टर को ये कर लिया, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपने पहले जहां भी सॉल्यूशन कर रखे एक बार ऊपर ऊपर से देख लिए या टीचर से मार्क करवा लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको एक बार फटाफट हाथ से सॉल्व कर लिया, ये स्ट्रेटेजी अगर आपकी रही आप ये 7 चैप्टर्स कर लेंगे, एंड इन 7 चैप्टर्स के बाद आप कोई भी सैंपल पेपर एक करो, कोई भी एक सैंपल पेपर अपने सर से अपने मैम से लेके कि मुझे एक सैंपल पेपर करना है, आप देखना कि आप खुद देखोगे आपके 50 से 60 नंबर बड़े प्यार से आ चुके होंगे. कमी कितने की रह गई? 40 से 50 नंबरों की. सबसे पहले जो फेल हो रहे थे पॉजिटिव एनर्जी पास हो सकते हैं, यहां पर आते हैं. जब आपने इनकी तैयारी कर ली इसके बाद अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, एओआई है, एक एक करके मैं इनकी बात करता हूं. देखिए आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जैसे बात करते हैं सबसे पहले इसी के साथ स्टार्ट करिए. एओडी के अंदर 5 एक्सरसाइजेस हैं. देखिए पूरा एओडी मुश्किल नहीं है, 6.2, 6.3, 6.4 हर बच्चे का जन्म से अधिकार है कि उसको करे और उसके अंदर नंबर लेके आए. 6.1 थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, 6.5 हो सकती है, बट 6.2, 3, 4 में कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले आपने अपनी प्रिपेयर करी 6.2, 6.3, 6.4, एंड अगेन स्ट्रेटेजी सेम है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, मुझे उसके क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, मुझे उसके क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स. फिर आ जाओ आप 6.5 पर, जैसे अब उसके अंदर एक मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आपको पता ही है कि 6.5 में से आने ही आने मिसलिनियस मिला करके. तो आपने क्या किया, 6.5 के जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं या मिसलिनियस के उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सर से मार्क करवा लिए, लगभग वो 20 क्वेश्चंस है कि सर मैं इसमें कौन से क्वेश्चंस कर सकता हूं, और अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप एक बार वो 20 के 20 सारे क्वेश्चंस कर लो. वो क्वेश्चंस आपने किए, जैसे ही आपने वो पोर्शन कर लिया आपको देखेगा एओडी खत्म, क्योंकि 6.5 एक बार आपने वन स्ट्रॉन्ग कर ली, 6.1 कहीं ना कहीं मेजर कवरेज अपने आप दे देती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है. तो 6.5 आपकी हो गई. अब आपका ओवरव्यू अगर मैं देखूं 6.2, 6.3, 6.4 के एग्जांपल्स, 6.5 के और मिसलिनियस के मिला के मैक्सिमम के जो 20 क्वेश्चंस हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर हम कर सकते हैं तो कोशिश करें सारे, यहां तक करने के बाद यू विल फील सिक्योर इन दिस चैप्टर. सारे एग्जांपल्स उठाओ कर डालो दोबारा से और फिर मिसलिनियस का डालो, एओडी का चैप्टर हो गया आपका तैयार आराम से. और 2 दिन का प्रॉपर वक्त देते हुए, 2 डेज का प्रॉपर वक्त देते हुए आपको एओडी अपना कंप्लीट करना. बचते कितने हैं? 5 चैप्टर. ये 5 चैप्टर क्या करने, अपने सर से बोलिए कि सर इसके मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दो. आफ्टर दैट फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपने करी, सेकंड स्ट्रेटेजी क्या करा आपने, इन चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल्स ओनली, नॉट मिसलिनियस. मिसलिनियस अभी नहीं करनी, सिर्फ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में मिसलिनियस के एग्जाम्पल्स भी होंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज नहीं करनी है, मिसलिनियस के एग्जाम्पल करने हैं. समझ में आ गई बात? फिर आप देखोगे कि यू आर ऑलमोस्ट 90% रेडी फॉर द मैथ्स. जब आपने इतना पूरा कर लिया, डू इट अगेन. 2 बार करने के बाद कोई सैंपल पेपर नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर, कोई भी 4 पेपर, और प्रेफरेबली की कंपार्टमेंट के पेपर्स करो दिल्ली के, जो कि थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, वो करना आप स्टार्ट कर दो. 4 पेपर अपने हाथ से सॉल्व कर लो, यू विल गेन द कॉन्फिडेंस. तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जाते हैं तो आप देखेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द जबरदस्त नंबर इन सर सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स. ऑल द बेस्ट.